morning dear students. Now today we are going to start new chapter after completing Can You See the Pattern? Okay. Now the chapter number 8 is Mapping Your Way. Now this chapter is based on mainly theory, or you have to keep it in mind certain kinds of map. Okay. Because as the chapter of the title of the chapter is Mapping Your Way. Okay. Ashi is going to study first story about the chapter. Okay. Ashi is going to India Gate to see the Republic Day parade with the other children of her school. Ashi is the name of one girl, student girl. Okay. She is going to India Gate to see the Republic Day parade. ओके रिपब्लिक डे पे परेड होती है मार्च पास्ट. ओके वो देखने के लिए जाते हैं स्कूल के सारे बच्चे. एज द चिल्ड्रन सेटल डाउन दे हियर समथिंग अबाउट इंडिया गेट ऑन द लाउड स्पीकर. व्हेन दे रीच इंडिया गेट दे हियर समथिंग अबाउट द इंडिया गेट ऑन द स्पीकर. ओके लाउड स्पीकर. टू द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट इज द इंडिया गेट. As you hear, you can see the picture. Okay, right of the president is the India Gate. कि जो right hand side पे है वो India Gate है. And this was built in the memory of the Indian soldiers who died in the First World War. India Gate क्यों बनाया है? क्योंकि it was built in a memory of the Indian soldier who died. वो डाई इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आपको पता है कि दो वर्ल्ड वॉर हुए फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जितने भी इंडियन सोल्जर थे उन्होंने अपनी जान गंवाई थी उन लोगों की याद में वो इंडिया गेट बनाया गया था. देर आर लॉट्स ऑफ पीपल सिटिंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द राजपथ. ओके ये जो इंडिया गेट है यहाँ ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ इंडिया गेट. ओके यहाँ पे इंडिया गेट है तो इंडिया गेट के दोनों साइड वहाँ पे बहुत सारे पीपल बैठे थे. द मेन रोड अलोंग विद द परेड पासिस. जो ये बीच में रोड है वहाँ से परेड पास होती है. चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग दे कैन सी अराउंड देम. अब वो स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया गेट ही नहीं देख रहे हैं उनके आजू बाजू उन लोगों को कई सारी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है वो भी देखते हैं. ओके तो फर्स्ट सर टोल्ड अस दैट राष्ट्रपति भवन फेसेस इंडिया गेट. यानी कि राष्ट्रपति भवन जो है वो इंडिया गेट के एग्जैक्ट सामने है. ओके सो दैट लास्ट बिल्डिंग ऑन आर राइट साइड मस्ट बी राष्ट्रपति भवन. देयरफोर कि सामने जो दिख रही है हमें राइट हैंड साइड पे बिल्डिंग वो राष्ट्रपति भवन ही होगा. ओके नाउ हियर वन बॉय से लुक अदिति दिस इज द इंडिया गेट. ओके नाउ ऑन द अदर साइड हियर इज अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द हेलीकॉप्टर. You can see the Rajpath, okay? That line you can see here, this hole, okay? This is the Rajpath and the road which joins the India Gate to Rashtrapati Bhavan, okay? Mark where on Rashtrapati Bhavan, Rajpath will be, okay? Here you can see the map. हम कोई भी चीज़ हो चाहे वो घर हो या कोई शॉप हो या कोई मॉल हो उन सब का मैप होता है. मैप किस लिए? क्योंकि मैप मेक्स आर वर्क इजियर. इट गिव्स अस रफ आइडिया. ओके इट प्रोवाइड अस डायरेक्शन इन विच वी हैव टू गो. ओके मैप जो है वो हमें बहुत सारे तरीके से हेल्पफुल होता है. वो हमें रफ आइडिया देता है कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है कौन से डायरेक्शन में नहीं जाना है. आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द सर्टेन कार्टून्स इन विच सर्ट कार्टून्स मोस्टली यूज द मैप.
ओके, कहीं पे जंगल में अगर खो गए हो तो हाउ कैन यू फाइंड द प्रॉपर डायरेक्शन? इफ़ यू हैव मैप विथ यू देन यू कैन फाइंड द डायरेक्शन इजीली. ओके, नाउ हियर द मैप इज गिवन ऑफ द इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन. नाउ हियर यू कैन सी द राष्ट्रपति भवन इज हियर वन साइड एंड ऑन द टोटली ऑन द जस्ट सेम साइड देयर इज द इंडिया गेट. ओके, बट ये राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में कौन से मार्ग हैं या फिर कौन से रोड्स हैं? तो राफी मार्ग, विजय चौक, राजपथ मार्ग, जनपथ, ओके, देन मानसी रोड, देन कस्तूरबा गांधी मार्ग. ओके, तो दिस आर द रोड्स दैट यू विल अक्रॉस दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द मैप. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली दैट हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी. लुक एट द मैप वन, Which it with the photo and find it out where India Gate is. Draw it on the map. अब आपको देखना है कि ये मैप को, ये दिस इज मैप वन. ओके, आपको ये मैप को फोटो के साथ कंपेयर करना है और यू हैव टू मार्क इट वेयर इज इंडिया गेट. तो इंडिया गेट जो है वो यहाँ पे आएगा, ये जो छोटा सर्कल है दैट विल बी योर इंडिया गेट. ओके, इस तरीके से आपको इंडिकेट करना है, टेक्स्ट बुक में ही करना आप लोग. सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो. अब ये राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच में बहुत सारे रोड्स हैं, तो कौन से रोड्स हैं? तो राफी मार्ग, राजपथ, जनपथ, ओके, देन राजपथ, मानसी रोड एंड यस, दिस फोर रोड्स आर मेन टू रीच इंडिया गेट. नाउ नेम रोड दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, जस्ट वी हैव सॉल्व्ड. ओके, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप वन, कैन यू सी इट इन द फोटो? नेशनल स्टेडियम, अब वो नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है? दैट यहाँ पे. ओके, लास्ट में. सो यू कैन mark it that this is the national stadium. Okay, students are waiting for the parade. While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. Kancha is carrying a newspaper in which the route of parade is written. Parade starts from the Vijay Chowk to Rajpath to India Gate, to Tilak Mark, to B.S. Zafar Mark, Subhash Mark and Red Fort. Here you can see the north and south direction as well as east and west. Okay, so you have to find first Vijay Chowk, where it will be. Okay, the Vijay Chowk, then after Rajpath Mark, okay. Then India Gate, then Tilak Mark, then B.S. Zafar Mark and Subhash Mark and last Red Fort. Okay, now you have to follow this route to see the where parade is going. Here students are talking about the map. On this map it is about 4 cm. So 4 cm on the map is the same as 2 km on the ground. And the long road between this is Rajpath. Okay, here the students are talking that let's guess how many kilometers long Rajpath is, and you are right, see it written at the bottom of this map scale, 2 cm is equal to 1 kilometer. Okay, so 4 cm is equal to how many kilometer? 2 kilometer. Okay, hey, see, this is India Gate and this is Rashtrapati Bhavan. One of the member of group says that this is the India Gate and this is the Rashtrapati Bhavan in map. My mother told me it is 2 km from Vijay Chowk to India Gate.
किसी की मम्मी ने बोला था कि विजय चौक और इंडिया गेट जो है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है. नाउ मार्क द रूट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3. जो आगे हमने परेड का मैप देखा उनमें उसमें से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने हैं एंड यू हैव टू मार्क द इंडिया गेट एंड राजपथ मार्क. नाउ लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड इट आउट द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्लियर? दिस विल बी योर होमवर्क. दिस 3 MCQ यू हैव टू फाइंड सॉल्व बाय योर ओन फ्रॉम द मैप. As the parade passed by, they see some children coming on an elephant. परेड जैसे ही ख़त्म हुई उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे हैं वो एलिफेंट पे आ रहे हैं. And these children have got bravery awards. अब bravery awards क्या है कि कुछ बच्चों ने अगर कुछ बहादुरी का काम किया हो तो उन लोगों को award दिया जाता है. That is called bravery awards. They also enjoy the colorful dances and aerobics by school children. They want to follow the parade to Red Fort. ये परेड कहाँ तक जा रही है? Till Red Fort. Gappu has seen Red Fort before and tell them about this trip. जो Gappu है, जो उन लोगों का ग्रुप है, उन लोगों वो बोल रहा है कि हम Red Fort की तरफ चलेंगे. So in the next class we will have a trip to Red Fort. Okay. Today we studied about the distance between the Rashtrapati Bhavan to India Gate and various roads to cross them. Okay. So we will meet in our next class. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you. God bless you all.